watching NK News 24 and we are live with you. And today we are at Guruvarpet area of Pune, and Ganpati immersion procession is going on with great zeal and enthusiasm. And surprisingly, the DJs being banned, the Punekers are yet not, you know, they want DJs to be there, and without DJ, Ganpati celebration, Ganpati Visarjan is incomplete. That is what Punekers have to say. So we have some zealous Punekers with us, and who are enjoying the DJ. They'll be telling us about it. सर आप लोग कितने साल से डीजे कर रहे हो? कम से कम 20-25 साल हुए अभी डीजे से हम लगा रहे हैं मंडल। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उस पर क्या कहना चाहते हो आप? अभी हमारे जो सभी लोग हैं, मतलब जो बच्चे और जो बड़े मतलब जो 60 से भी ऊपर है, उनको सब डीजे चाहिए, जो उनको सेलिब्रेट करने का अच्छा लगता है मतलब डीजे पे। और जो बाकी जो ढोल ताशा वगैरह है वो मतलब नॉर्मल मंडल को परवड़ता नहीं है, वो खाली जो बड़े मंडल है उनको खाली नारन लेते, और हमारे से हम उनको गए कि हमको हमारे मंडल को लगाना है तो कम से कम 4 से 5 लाख रुपये मांगते, और हमारे मंडल की इतनी वर्गनी भी नहीं रहती तो हम लगा भी नहीं सकते, इसलिए हमारा बजट में भी है और हमको अच्छा भी लगता है। और आपको क्या लगता है, ये जो ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट का, ये गणेश विसर्जन के 2 दिन पहले ही आया है, तो ये क्या गलत हुआ है? गलत तो हुआ ही, तो उसके बारे में आप? बहुत गलत है ये, पहले ही उन्होंने तीन मंथ पहले ही बताना चाहिए था, अभी तो गलत है वो। तीन मंथ तो कुछ एडजस्टमेंट कर लेते हम। एडजस्टमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन ही नहीं उठा, क्योंकि हम कुछ ज़्यादा नहीं लगा रहे। हमारा कहना है जो रूल्स में बैठा है, जो 195 डेसिबल से जो कम है जो बैठा है उसको परमिशन दो, हम उतना ही लगा रहे। आप जो बड़े बड़े नेताओं की सवाल लेते तो उसमें 8-8, 9-9, 10-10 हैंगिंग लगाते एक ही ग्राउंड पे, तब जाके उधर प्रॉब्लम नहीं आती आपको, तब आपको चलता है डेसिबल का आवाज़। खाली आपको फंक्शन में भगवान का जो है ना, अभी उसमें आप क्वेश्चन उठा दे, बाकी इधर कोई भी रहता, मतलब कोई अभी दूसरे फेस्टिवल रहते उस पर कोई ना क्वेश्चन नहीं उठा था। गुजरात में तो 24 घंटे नवरात्रि में लगाते, तब वो तो अपने प्राइम मिनिस्टर का स्टेट है, उधर कोई नहीं बोलता जी। हमारे साथ यहाँ कुछ और लोग हैं जो इस बारे में बोलेंगे। डीजे बैन हुआ है, सो व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट इट? लाइक स्टिल पीपल वांट डीजे टू बी देयर? एक्चुअली बेसिकली इन महाराष्ट्र दिस फेस्टिवल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज गणपति ये फेस्टिवल है कि बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी एंजॉय करते हैं, सो वी नेसेसरी, क्योंकि हम रोड पे रोज तो नाच नहीं सकते, एक ही दिन मिलता है जब हम फुल टू एंजॉय कर सकते, सो दिस फेस्टिवल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर अस। शायद ये हमारा हक है और ये हक हमसे छीना जा रहा है। आपको आपका आप क्या बोलना चाहते हो? आज गणपति विसर्जन का लास्ट डे है, काय संगत कसं वाटतंय तुला? चांगले वाटते गणपतीमुळे, बरं वाटतं। गाण्यावर नाचलं कसं आवडतं गणपती? आवडतं, भजनाला आवडतं, तेवढं भजन करतो। गणपती बाप्पा अगले बरस तू। सो एंडिंग आवर लाइव व्हिडिओ अलॉन्ग विथ वीडियो जर्नलिस्ट आकाश खराडे, मायसेल्फ मिथुला मुखर्जी, एनके न्यूज नेटवर्क पुणे।